बुंदेलखंड अंचल के सागर के राहतगढ़ के बीना नदी के किनारे बनेनी घाट पर बने शिवालय की सावन के महीने में छठा अनोखी ही नजर आती है, जहां बड़ी संख्या में भोलेनाथ पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु इस अद्वितीय मंदिर में स्थापित बाबा नीलकंठ की प्रतिमा के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करने दूर दूर से पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना भोलेनाथ को सुनाते हुए अपनी मन्नत की अर्जी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे भाव से बाबा भोलेनाथ को सुनाई मन की बात पर भोलेनाथ का आशीष अवश्य भक्तों को मिलता है और कोई भी इस दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता। पुरातत्व विभाग में जहां सन 1838 में इस मंदिर के निर्माण की लाला सुखराम के द्वारा बनाए जाने की बात सामने आ रही, तो वहीं मंदिर के पुजारी महाशिव पुराण में इस मंदिर के उल्लेख की बात कहे इसे कई सौ वर्ष पुराना मंदिर बता रहे हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि 8 हाथियों पर निर्मित यह मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बना है। ईशान कोण पर स्थापित इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर जहां सर्प और मोर एक साथ बने हैं, तो वहीं कीर्ति मुख किसान प्रवेश द्वार पर जय विजय पहरा देते नजर आएंगे। नवग्रह वाराणसी की कलाकृति भी मंदिर की दीवारों पर सुंदर रूप में उकरी दिखाई देती है, तो वहीं ऊपर की सतह पर 10 दिशाएं भी बनी हुई हैं, जो इस मंदिर के अद्वितीय होने की गवाह हैं। मंदिर के अंदर विराजमान भगवान विश्वनाथ की मुख्य प्रतिमा की जलहरी में 108 शिवलिंग बने हुए हैं, जिसके चलते इस प्रतिमा का अपना ही एक महत्व है और ऐसी मान्यता है कि एक बार इस प्रतिमा के दर्शन करने से 108 बार का दर्शन लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। साथ ही एक बार पूजन अभिषेक करने से 108 अभिषेक का पुण्य मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग के समान दर्शन का लाभ भी इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से भी मिलता है। मंदिर के पुजारी की माने तो सर्वप्रथम सूर्य की किरणें भगवान भोलेनाथ के दर्शन अभिषेक करती हैं। मंदिर की मुख्य प्रतिमा पर अर्पित जल बाबा का अभिषेक कर नंदी के मुख से बाहर निकल नदी में समाहित हो जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ अनुपम वातावरण नजर आता है। ईश्वरीय चमत्कार ऐसा जहां बाबा के दरबार पर पहुंचने के बाद कोई मनमुटाव नहीं होता, आपसी मतभेद यहां शून्य हो जाते हैं। यहाँ दर्शन लाभ के लिए पहुँचने वालों को एक सुखद अनुभूति होती है। वैसे तो पूरे वर्ष भक्तों का तांता इस देव शिवालय में लगा रहता है, पर सावन सोमवार नाग पंचमी और महाशिवरात्रि में विशेष चहल पहल मंदिर में नजर आती है। सागर जिले का एकमात्र मंदिर है जिसमें 108 शिवलिंग स्थापित हैं। यही वजह है कि इसका अपना ही महत्व है और श्रद्धालु भक्तों में इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है, जिसके चलते श्रद्धालु भक्तगण यहाँ एक बार अवश्य बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। तो आइए सावन सोमवार के इस पुनीत पावन अवसर पर हम भी आपको इस पुनीत और पवित्र स्थल के दर्शन लाभ कराएं। बहुत पुराना मंदिर है और कपूर खानदान का बनवाया हुआ है और इस मंदिर की विशेषताएं ये हैं कि सूरज की पहली किरण निकलते ही मंदिर के द्वार पर पड़ती है। मंदिर के द्वार पर श्री गणेश जी हैं ऊपर, और अपने गणेश जी के ऊपर एक मोर है, मोर जो अपने चोंच में सर्प को दबाए हुए हैं। और इस मंदिर की विशेषता विशेष शिवलिंग की है, जो 108 शिवलिंग है एक ही पत्थर पर है। एक लोटा जल चढ़ाने से 108 का फल मिलता है, एक फूल चढ़ाने से 108 का फल मिलता है, एक बेलपत्र चढ़ाने से 108 का फल मिलता है, एक परिक्रमा करने से 108 का फल मिलता है। और यह मंदिर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, जो वास्तु के हिसाब से इसमें 10 दिशाएं हैं, 9 ग्रह हैं, इस तरह से इस मंदिर की विशेषता है। जैसे कि वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है और नंदी के मुँह से निकलता है जी, जो शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है वो दक्षिण दिशा में नंदी जी बने हुए हैं, उनके मुखारविंद में से जल बाहर निकलता है। जो लोग यहाँ आते हैं तो क्या उनकी विशेष मनोकामना? विशेष मनोकामना है जो अपने सच्चे मन से भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? अरुण कुमार पांडे। यहाँ शिवलिंग
जी क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या कब से इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। 108 शिवलिंग है एक पत्थर और एक लोटा जल चढ़ाए से 108 शिवलिंग का महात्मा मिलता है। फूल बेलपत्री जो भी है अपन उनको अर्पण करते हैं, वह 101 चढ़ाने से 108 बराबर हो जाते। कितने वर्ष पुराना है ये? जो एक हो गई कम से कम 3 पीढ़ी हो गई जिनके ने जो बनवा है, 4 बने। निघाट का जो मंदिर है शिवलिंग, मतलब जो शिवलिंग बनी हुई है ना, यहाँ की जो शिवलिंग बहुत प्रसिद्ध है, मतलब पूरे इलाके में सबसे अच्छी शिवलिंग यही की है। और यहाँ का मंदिर जो शीतला माता का मंदिर है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और किला है जो बहुत मशहूर।